ईश्वर ही है और है कौन। बुद्धि अगर खुद ही अटका दे, इंसान यदि बुद्धि से आगे ही न बढ़े तो वह अटक गया। कई लोग बुद्धि में अटक जाते हैं। ज्ञान मिलने के साथ अभी हमको सब समझ गया, अभी हमें श्रवण करने की आवश्यकता नहीं है, तो उनको कहा जाता है बुधवार में रुक मत जाओ, आगे बढ़ो। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए सभी प्रार्थना करें। भक्ति के साथ प्रार्थना का कर्म करें। ज्ञान के साथ सही दिशा में प्रार्थना करें। स्वयं को जानकर सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करके बैठें और जिसे भी आप हायर कॉन्शियसनेस जानते हैं, मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, जिस भी नाम से पहचानते हैं, उसे पूरे भाव से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में विश्व के हर मनुष्य पर, हर जीव पर उतरे। आपका शुभ्र प्रकाश न केवल उपचारक है बल्कि मुक्तिदायी है। यह मुक्तिदायक प्रकाश सब मनुष्यों को अज्ञान से मुक्त करे। यह शुभ्र प्रकाश, उपचारक प्रकाश सभी को स्वस्थ करे। सभी अपनी बीमारियों से मुक्त होकर स्वयं को पहचानने का कर्म करें। सभी आपके अंश हैं, सभी को अपने पास आने के लिए संकेत दो, प्रेरणा दो। सभी आपके अंश बनकर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाएं। आपके गुण मनुष्य के गुण हैं। ये गुण हर इंसान प्रकाशित करे। सभी में वे गुण सभी को मदद करें प्रेम, आनंद, मौन का जीवन जीने के लिए। हे परमात्मा, आप भी यही चाहते हैं। मनुष्य आपकी नज़र में सर्वोपरि रचना है। इस रचना में जो भी बीमारियां आई हैं
वे समाप्त हो जाएं। जो भी मान्यताएं इंसान में आई हैं वे नष्ट हो जाएं, सभी स्वस्थ हो जाएं, सभी आनंद में भरपूर अभिव्यक्ति करें, एक दूसरे को मदद करें, सभी समृद्धि पाएं, सभी संतुष्टि पाएं। आप यह कर सकते हैं, आप यह कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं भावों को अपने शब्दों में, प्रार्थना रूप में मन ही मन दोहराएं, कहें पूरी श्रद्धा से, विश्वास से, यह हो रहा है ऐसा जानकर। सभी के ऊपर शुभ्र प्रकाश विजुअलाइज करें, पृथ्वी पर यह प्रकाश सभी को आरोग्य दे रहा है, समृद्धि दे रहा है, सकारात्मक विचार दे रहा है, खुशी से लबालब कर रहा है। ऐसे भावों को, ऐसी तरंगों को, ऐसी किरणों को सब तक पहुंचने में मदद करें, सब तक पहुंचाने में मदद करें। प्रार्थना जारी रहे। मंगल कामना चलती रहे। हर शरीर ईश्वर का मकान है। हर शरीर में परम शांति पहले से ही है। बाहरी विचार, बाहरी डर इस शांति को प्रकट होने से रोक रहे हैं। ये पर्दे हट जाएं, शांति का प्रकाश हर देह से बाहर आ रहा है। ऊपर से शुभ्र प्रकाश, भीतर से शांति का प्रकाश, सभी जुड़कर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। पृथ्वी पर ही जीवित ही लोग इस स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। ऐसे भाव रखते हुए प्रार्थना करते रहें। अंत में तपर्पण करेंगे अपने अर्जित बल का, लोक कल्याण के लिए, हर जीव कल्याण के लिए। मैं अपनी प्रार्थना और ध्यान का बल अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। इस भाव से तपर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो जब इंसान के जीवन में मंडे के बाद मंगलवार आता है, मंगलवार पर वह शुभेच्छा जगाता है। शुभेच्छा के साथ वह देखता है कि अब तैयारी सत्य के प्रति हो गई, यानी दिशा सत्य की तरफ हो गई। पहले दिशा अनेक दिशाओं में, कभी ये टॉपिक पर, कभी वो टॉपिक पर मन डोलते ही रहता था मंडे पर, मगर अभी शुभ इच्छा जगी, मंगल इच्छा। तो इंसान कहेगा अब हम बुद्धिवार में जाएंगे। बुद्धिवार यानी बुधवार, जहाँ बुद्धि का सही उपयोग शुरू होता है। बुद्धि बहुत ही बड़ा काम कर सकती है अगर वह सात्विक है। बुद्धि बड़ा काम कर सकती है यदि उसे लक्ष्य मिला है, दिशा मिली है। और दिशा मिली तो बुधवार, बुद्ध का वार आपके लिए अगला पड़ाव लेकर आ सकता है। बुद्धि अगर खुद ही अटका दे, इंसान यदि बुद्धि से आगे ही न बढ़े तो वह अटक गया। कई लोग बुद्धि में अटक जाते हैं। ज्ञान मिलने के साथ अभी हमको सब समझ गया, अभी हमें श्रवण करने की आवश्यकता नहीं है, तो उनको कहा जाता है बुधवार में रुक मत जाओ, आगे बढ़ो, क्योंकि आगे आता है गुरुवार, गुरु का वार। गुरु का वार प्रहार इंसान को बुद्धि से तेज स्थान पर ले आता है, हेड से हार्ट की तरफ ले आता है। गुरु का वार बहुत प्यार से होता है, क्योंकि अगर जोरदार खोजी को पसंद न आने वाला वार हो तो वह आगे सुनना ही नहीं चाहे, हम आते ही नहीं है, तो इसलिए बड़े प्यार से एक एक कदम उसे आगे लाया जाता है ताकि वह हृदय पर जाए। गुरुवार पर उसे गुरु मिलते हैं, गुरु पर श्रद्धा जगती है, तो जो बताया जाता है, जो आज्ञा मिलती है, उस आज्ञा की वजह से वह उन सब बातों को प्रयोग में लाकर देखता है कि अच्छा, हमें कहा गया है ये शरीर है, तुम नहीं हो, तो कुछ दिन इस तरह जीकर देखते हैं, और प्रयोग के बाद पता चलता है अरे हाँ, वाकई ये प्रयोग करने के साथ जो आसक्ति थी शरीर के साथ वह टूट रही है। जो दुख मेरा दुख समझकर मैं जी रहा था वह दुख अब दुख नहीं लगता। असलियत सामने आ रही है कि दुख दुख नहीं है, दुख व्यवस्था है इंसान से होमवर्क करवाने के लिए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।